हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सी ट्राई कलर इडली और चटनी की रेसिपी। तो यह रेसिपी देखने में जितनी कलरफुल है, हमारे लिए ये उतनी ही काफ़ी हेल्दी और काफ़ी लाइट है। तो इस रेसिपी को मैंने स्पेशल हमारे नेशनल फेस्टिवल ओकेजन पे रेडी किया है। और इस रेसिपी में मैंने ना ही कोई फूड कलर, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया है, बल्कि सारे घर के मौजूद वेजिटेबल्स से ये बना है। और यह काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। तो आप भी इस रेसिपी को इस नेशनल फेस्टिवल में ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको, आपके घर में, बच्चों को, सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के प्रोसेस में। तो थीम के अकॉर्डिंग यह जो है रेसिपी काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी हेल्दी है, और एक तरह से देखा जाए तो सचमुच काफ़ी अमेजिंग है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस में। तो इडली बनाने के लिए मैंने इडली राइस ली है, जो मोटी वाली होती है। आप चाहे तो अरवा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें उड़द यूज़ की है, गोटा उड़द। आप उड़द दाल भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने यूज़ किया है मेथी के दाने। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे 3 गिलास का चावल, 1 गिलास का गोटा उड़द लिया था, और 1 चम्मच का मेथी का दाना लिया था। इसे मैंने 7 से 8 घंटे अच्छे से फूलने के लिए दे दिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब जो है हम इसे मिक्सर में थोड़े थोड़े करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि बैटर को हमें बिल्कुल भी पतला ज़्यादा नहीं होने देना है। तो ये देखिए, हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। आप इसमें थोड़ा ही पानी यूज़ करें, जिससे कि इडली का बैटर काफ़ी अच्छा बने और इडली काफ़ी अच्छी बनेगी आपकी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह करके काफ़ी अच्छे से बैटर रेडी कर लिया है। बैटर में मैंने चुटकी भर का सोडा यूज़ किया है, जो हमारे घर में होता है बेकिंग सोडा, या फिर जिससे आप पकौड़ी बनाते हैं। और इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे 4 से 5 घंटे अच्छे से रेस्ट में रख देंगे। तो बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है और इसे मैंने रेस्ट में रख दिया है। इधर मैंने इडली को कलरफुल बनाने के लिए जो ग्रीन कलर में मैंने यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स, वो मैंने पालक यूज़ किया है, स्पिनिच, और इसे मैंने अच्छे से काट कर धो लिया है। आप इसे बॉयल करके भी इसका जो है पेस्ट बना सकते हैं, बट मैंने इसे विदाउट बॉयल किए यूज़ किया है। इससे इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है। और हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करके इसे छन्नी से छान लेना है, जिससे इसकी जो थोड़ी भी इसमें जो पानी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाएगी। और इसका जो है हम लोग गाढ़ा पार्ट जो है बैटर में यूज़ करेंगे, और इडली की जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो ख़राब भी नहीं होगी। तो इस पालक के पानी को आप किसी सब्जी में यूज़ कर ले, या फिर एज ए जूस पी सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्दी होता है। सेम एज मैंने सैफ्रॉन कलर बनाने के लिए ऑरेंज कलर की गाजर का यूज़ किया है, और ये काफ़ी अच्छा कलर आता है इससे। तो इसे भी मैंने सेम एज मिक्सर में ग्राइंड किया है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे ग्राइंड किया है। तो अब जो सेम एज हमें इसे छन्नी से छान लेना है, और इसका जो जूस है उसे अलग कर लेना है, ताकि जो इसके गाढ़े पार्ट्स होंगे उसे हम बैटर में यूज करेंगे, काफी अच्छा कलर आएगा इसका। तो ये जूस को आप पीने में भी यूज कर सकते हैं। और इधर जो है हमारा बैटर 4 से 5 घंटे रेस्ट करने के बाद काफी अच्छा पफिंग इसमें आ गई है, और इसे हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके मिक्स्ड करने से इसकी जो फ्लफी होती है काफी अच्छी होती है, इडली काफी स्पॉन्की बनती है खाने में। तो अब जो है हमें इस बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देने हैं, क्योंकि हमारा इडली ट्राई कलर है। तो मैं इस बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक मैंने सैफ्रॉन कलर मिलाने के लिए लिया है, और दूसरा मैंने ग्रीन कलर के लिए लिया है, एंड थर्ड वन जो है हमारा व्हाइट कलर होता है, तो इसे हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये देखिए, हमारा सेपरेशन हो गया है 3 कलर का। और अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं इसके प्रोसेस में। तो ट्राई
तो ट्राई कलर बनाने के लिए हमें चाहिए सैफ्रॉन कलर एंड ग्रीन कलर, और मैंने इसका अच्छा सा बैटर बना लिया है कैरेट का, स्पिनिच का। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और अगर आपका इडली का बैटर थोड़ा सा भी गाढ़ा पड़ता है तो आप जो जूस निकाला था कैरेट का, आप उसे मिक्स करके बैटर को फाइन कंसिस्टेंसी के साथ रेडी कर सकते हैं। तो एज इट मैंने कैरेट का कंप्लीट बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो चूंकि मुझे बैटर थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कैरेट का जूस भी यूज किया है। इससे कलर काफी अच्छा भी आ गया है, और जो इडली के लिए जो फाइन बैटर चाहिए हमें वो वैसी रेडी हो चुकी है। सेम एज हम ग्रीन, तो ग्रीन बैटर बनाने के लिए मैंने पालक का पेस्ट यूज किया है, और इसे भी हमें सेम एज प्रोसेस में करना होगा। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप अच्छे से बिल्कुल मिक्स कीजिए, और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बैटर हल्का सा गाढ़ा अगर आपको लगता है तो आप ये जो सीरम है कह सकते हैं पालक का जो, उसे मिक्स करके बनाइए। काफी अच्छा इसका थिकनेस बिल्कुल इडली का जैसा परफेक्ट बन जाएगा आपका। तो ये देखिए मैंने बना लिया, और कलर काफी अच्छा नाइस आ गया है इन दोनों का। तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ट्राई कलर रेडी हो चुका है बैटर, और ये जो है एक्स्ट्रा हमारा बच गया है, तो इसे हम वेजिटेबल्स में या फिर जूस एज पीने में यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने ग्रीन वाले बैटर और व्हाइट जो है वो कलर वाले बैटर में थोड़ा सा आधा चम्मच से कम का सॉल्ट डाला है, और साथ ही मैंने ऑरेंज वाले बैटर में 1 चम्मच चीनी का यूज किया है। चूंकि ये पालक है तो इसमें सॉल्ट का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होगा, और जो व्हाइट है हमारा जो उसमें मैंने सॉल्ट डाला है वो एज इट इज है, और ये जो है कैरेट का कॉम्बिनेशन है तो मैंने इसमें शुगर डाला है जिससे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और स्टार्टिंग में मैंने कोई भी सॉल्ट नहीं डाला था तो मैं लास्ट में ही इसे डाल रही हूँ। और ये इडली के जो है प्लेट में आपको अच्छे से ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी है। आप इसमें फॉर्चून लगा सकते हैं, ऑयल या घी यूज कर सकते हैं, जिससे इडली बनने के बाद काफी अच्छे से रिमूव अप होंगे। तो चलते हैं बनाने के नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर का बैटर का यूज किया है, और सेकंड इसके बाद हम व्हाइट कलर का बैटर का यूज करेंगे। अच्छे से हमें धीरे धीरे करके डालना है, इसमें ओवरलैप ना नहीं होना चाहिए, और फिर हम लास्ट ऑरेंज कलर जो है हमारा सेफ्रॉन उसका यूज करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा थीम बिल्कुल आया है, और इसे जो है हम ये टूथ स्टिकर से इसका डिजाइन बना देंगे। तो मैंने अलग अलग तरीके से बैटर को अच्छे से फिलअप कर लिया है, और ये देखिए एक फ्लावर का डिजाइन मैंने बनाया है, और सेम एज मैंने एक फ्लैग का डिजाइन दिया है, और एक इसी तरह डिजाइन दे दिया है मैंने। तो अलग अलग डिजाइन मैंने इसे शेपली दे दिया है, और ये ट्राई कलर का जो थीम बना है काफी अच्छा बना है, और ये जब ये बन जाएगा तो इसका कलर और टेक्सचर काफी अमेजिंग और लवली होगा रियली। तो ये हमारा एक ट्रे रेडी हो चुका है, और अब जो है इसे हम इटे स्टैंड जो है लगा देंगे, और सेम एज इसका जो सेकंड हमारा प्लेट है उसमें हम अब फिलअप करेंगे। तो 4 बॉक्सेस का है, सेम एज मैंने ऑयल की ग्रीसिंग कर दी है, और 2 बैटर का यूज करेंगे हम सेफ्रॉन और ग्रीन का। तो 2 बॉक्सेस में हम सेफ्रॉन वाले बैटर डालेंगे कलर का, और 2 में हम ग्रीन डालेंगे। तो फिलअप करते वक्त आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो बैटर आप डाल रहे हो वो कंप्लीट ना फिलअप करें, क्योंकि ये बनने के बाद थोड़े से पफ हो जाते हैं, तो स्पेस थोड़ी कम बचती है, तो थोड़े से बैटर कम ही यूज करें। और ये देखिए मैंने इसमें सेट कर दिया, और इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में हमें इसे रखना है, और फिर बाद में हमें इसे चेक करना है। तो इसे देखिए हम टूथ स्टिक से चेक करेंगे, अगर इसमें थोड़े से भी लग जाते हैं बैटर तो ये कच्चा रहता है, और अगर इसमें ना लगे यानी कि आपका जो है इडली बनकर रेडी है। तो ये देखिए मैंने इसे चेक कर लिया, और हमारी इडली बिल्कुल भी कंप्लीट बन चुकी है अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ भी बैटर नहीं लगा है। तो हमें इसे स्टैंड को जो है कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे होने रख देना है, और ठंडे होने के बाद हम नाइफ के हेल्प से इसे अच्छे से साइड्स निकाल लेंगे, और ये बहुत ही इजी वे से निकल जाएगा, क्योंकि ऑयल की जो ग्रेजिंग हुई थी उससे इडली इजी वे से रिमूव अप हो जाती है। तो ये देखिए हमारी इडली जो है बनकर रेडी हो चुकी है, एंड सेम एज जो डिजाइन वाला मैंने बनाया था ये भी कंप्लीट बन चुकी है। सो फ्रेंड्स, इट्स रियली अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, रियली परफेक्ट थीम एंड परफेक्ट हेल्दी
रेसिपी आपके लिए रेडी हो चुकी है। तो इस ओकेजन नेशनल फेस्टिवल आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ खाएं, खिलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताएं, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एज लॉन्ग स्टे हियर।